आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज मैं कोई रेसिपी ट्राई कर रही हूँ जो मेरा नहीं है। मैंने यूट्यूब से देखे हैं और फिर मैं ट्राई कर रही हूँ उसको। तो पहले आम को मैंने भगवान जी को चढ़ा दिए और फिर दूध ले लिया, 1 लीटर मिल्क लेके उसको मैंने गैस पर रख दिए और स्टार्टिंग में तो हाई फ्लेम पर ही उबाले, बाद में मीडियम फ्लेम करके उसको अच्छे से रबड़ी बना लिया और फिर उसमें चीनी डाल दिए। और चीनी डालने के बाद फिर कुछ ड्राई फ्रूट्स जो थे वो बारीक बारीक कट करके डाल दिए, क्योंकि कुल्फी में बारीक बारीक काट के ही डालते हैं तो अच्छा लगता है, तो बारीक बारीक काट के डाल दिए। और कुछ केसर की पत्तियाँ भी डाल दी तो जिससे कि कलर भी आ गया। तो ये रबड़ी बहुत ही अच्छा बन के रेडी हो गया। और मैंने मिल्क पाउडर वगैरह नहीं ऐड किए फ्रेंड्स, क्योंकि जब हम मिल्क से बना रहे थे, मिल्क नहीं होता है तो मिल्क पाउडर ऐड किया जाता है किसी भी रेसिपी में, तो इसलिए मिल्क पाउडर मैंने नहीं ऐड किए इसमें। और तो इस तरह से मैंने दूध रबड़ी तैयार कर ली है अपने। और फिर मैंने मैंगो को अच्छे से उसका जो कैप होता है वो काट के फिर मैंने गुठली निकाल ली है। तो फ्रेंड्स गुठली निकालना कोई मुश्किल नहीं है, आराम से निकल जाता है, थोड़ा सा केयरफुल करना पड़ता है और गुठली निकल जाता है। तो आप रबड़ी देख सकते हैं, रबड़ी बहुत ही अच्छा बना है और केसर से कलर भी आ गया है रबड़ी में। तो इस तरह से आपका रबड़ी बहुत स्वादिष्ट बनेगा और इसको आप इस टाइम में भी अगर जमा देते हैं तो ये आपका कुल्फी बन के रेडी हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने आम के कैप निकाल के इस तरह से आप चाकू अंदर डालेंगे और गोल गोल घुमाते रहेंगे तो वो आराम से निकल जाता है, इजली निकल जाएगा आपका गुठली जो है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन आराम से निकल जाता है। इस तरह से फिर फिंगर से ही पकड़ के मैंने इसको खींच दिए तो हल्के से ऊपर से क्रैक हो गए थे छिलका, बट कुछ नहीं क्योंकि हमें इसमें फिल ही करना भरना है और फ्रिज में रख देना है जमाने के लिए तो जम जाएगा। तो हल्का सा आप देख सकते हैं, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा थोड़ा सा क्रैक हो गया है मैंगो। और उसके बाद जो पल्प निकले थे तो उसमें ये भी बताया गया जो पल्प है उसको भी अंदर भर दीजिए, तो मैंने इसको भी भर दिया इसमें। और इस तरह से फ्रेंड्स अगर हम, मैंने बहुत सारे चैनल पर देखे हैं कि दशहरी आम से बनाना है, तो दशहरी आम में अगर हम आप वो निकाल लेते हो गुठली, कभी खाना आप, दशहरी आम का सीज़न आ ही रहा है तो अभी भी मिल रहा था पर मैंने नहीं लिए, तो अगर उसके अगर गुठली निकाल लेते हैं तो उसमें साइड में पल्प बचेगा ही नहीं तो फिर ये आइसक्रीम नहीं बनेगा। तो इसलिए मैंने ये वाली आम लेना ज़्यादा बेटर समझा और मैं ये आम लेके आई। उसके बाद मैंने भर दिए और 1 मिनट रुक के फिर से मैंने उसमें थोड़े से भर दी, क्योंकि वो अंदर चला जाता है रबड़ी थोड़ी देर बाद, क्योंकि उसमें पल्प है तो वो बैठता है अंदर, सेट हो जाता है। उसके बाद फिर से ऊपर से रबड़ी रख दीजिए और फिर ये कैप लगा दीजिए, क्योंकि इसमें रबड़ी अच्छे से फील होना ज़रूरी है, क्योंकि हम रबड़ी मैंगो बना रहे हैं, क्योंकि इसमें मैंगो तो हमें से खाना नहीं है क्योंकि मैंगो का आइसक्रीम तो ऐसे बनेगा नहीं। तो नेक्स्ट सुबह 12 घंटे के बाद, 12 से 15 घंटे के बाद मैं आ गई अपने किचन में और मैंगो खाने के लिए कि मेरा मैंगो रेडी है। तो मैंने इसको छीलना स्टार्ट किया, तो मैंने पीलर से स्टार्ट किया पील करना तो वो नहीं हुआ फ्रेंड्स, क्योंकि ये जो अब आम है वो आम नहीं रह गया था, वो आइस बन चुका था। और आइस का गोला अगर आप हाथ में रखते हैं तो आप ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते हैं। और इसको छीलने के लिए क्योंकि बहुत हार्ड हो चुका था तो काफ़ी टाइम लग रहा था, तो हाथ बिल्कुल ही काम नहीं कर रहा था फ्रेंड्स, हाथ बिल्कुल जम रहा था, तो फिर समझ नहीं आ रहा था क्या करें। और मैं किचन में ग्लव्स नहीं रखती हूँ तो मैंने फिर ये पेपर लगा लिए और इस तरह से मैंने इसको पील करना स्टार्ट किया। तो इससे तो नहीं हुआ, फिर मैंने इसको चाकू से ही निकाले तो इससे नहीं हो रहा था, बिल्कुल पतला पतला से निकल रहा था, जिस तरह से स्किन निकलना चाहिए उस तरह से नहीं निकल रहा था। तो फिर मैंने चाकू से ही स्टार्ट किए छीलना और फिर मैंने चाकू से इसको पूरे अच्छे से छील लिए। और इसमें आधे मिनट का टाइम भी हो गया तो फिर थोड़ा सा सॉफ्ट हो गया छिलका तो निकल गया, लेकिन काटते टाइम जब हमने इसको काटना स्टार्ट किया फ्रेंड्स, तो ये कट ही नहीं रहा था जैसे चैनल पे दिखाया जाता है कि इजीली कट जा रहा है बिल्कुल कुल्फी कुल्फी की तरह, तो वो नहीं कट रहा था फ्रेंड्स, वो कटेगा भी नहीं। क्योंकि ये मतलब लॉजिक सोच के देखेंगे आप, अगर हम किसी भी फ्रूट्स को फ्रिज में रख देते हैं तो वो जम जाता है और वो स्टोन जैसा हो जाता है, पत्थर हो जाता है, तो वो फिर वो नहीं कटेगा, जब एकदम नहीं कटेगा, अगर आधे घंटे बाद काटेंगे तो वो पानी जैसा हो जाता है, वो फ्रूट्स ख़राब हो जाते हैं। आप एक बार कभी कोई भी एप्पल या खीरा को फ्रिज में रख के देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहती हूँ आपको। तो फिर जब मैंने इसको काटना स्टार्ट किया तो पतले पतले तो छोड़िए, ये मोटे मोटे भी नहीं कट रहे थे, और जो अंदर का रबड़ी है वो जो कुल्फी है वो कुल्फी जमने के बाद भी, जैसे मैंने मैंगो को छीले और फिर मैंने काटे, इन समय जो टाइम लगा तो वो सॉफ्ट हो गया। आप देख सकते हैं इतना सॉफ्ट तो बनता है ना फ्रेंड्स, जब हम कुल्फी खाते हैं मार्केट से या घर से, तो फ्रीजर से निकालते हैं और हाथ में लेते हैं और बस खाना स्टार्ट करते हैं। मैक्सिमम मतलब
3 4 5 सेकंड के लिए हम रुकते हैं, उसके बाद हम खा लेते हैं। पर इसको छीलने में और इस समय बहुत टाइम लग जाता है, कम से कम 1 1.5 मिनट तो लग ही जाता है फ्रेंड्स। तो इसमें उस टाइम में वो कुल्फी मेल्ट हो जाता है, जो आम है वो बिल्कुल हार्ड रहता है, क्योंकि उसको ना पीसा गया है ना बस आम में ही भर दिया गया है, तो आम में कुल्फी भर दिया गया है, तो जो साइड वाला है वो बिल्कुल पत्थर हो चुका है। तो फ्रेंड्स ये रेसिपी मुझे लग रहा है कि ये नहीं बनता होगा, मेरे तो नहीं बने फ्रेंड्स, और इसलिए मैं आपसे बोलूँगी कि अगर आप लोग मेरे चैनल देख के बनाते हैं तो फ्रेंड्स इस वीडियो को और इस मैंगो रेसिपी को तो बिल्कुल मत बनाइएगा। फिर मैंने इस सबको एक बाउल में भरे और लगभग 30 मिनट लग गए फ्रेंड्स उसको नॉर्मल होने में। फिर जब नॉर्मल हो गया फिर मैंने मिक्सर में रख के उसको जार में और अच्छे से पीस लिए, क्योंकि मुझे अब सॉफ्ट करना है, मुझे अब आइसक्रीम बनाना है, तो मुझे बिल्कुल बारीक पेस्ट चाहिए। और उसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी थे तो वो भी पिस गए, वो तो नहीं पिसने थे बट पिस गए, क्योंकि अब मुझे रेसिपी को सही करना था। फिर मैंने एक बाउल लिया, उसमें आइस डाल के मैंने अपना वीटर से इसको वीट करना स्टार्ट किया, जैसे आइसक्रीम बनाते हैं। फिर मैंने इसको मैंगो कुल्फी आइसक्रीम बना ली है, और इसमें केसर भी है, तो आप इसको मैंगो केसर कुल्फी बादाम पिस्ता जो भी बोलें, सारे ड्राई फ्रूट्स भी हैं इसमें। तो इसको फिर मैंने आधे 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए इस तरह से 1 2 बार रखते हुए फ्रिज में इसको मैंने किए। उसके बाद फाइनली लास्ट में फिर से इसको इलेक्ट्रिक वीटर से वीट किए, और उसके बाद मैंने फिर इसको भर दिए इसमें जार में। उसके बाद मैंने फिर से केसर डाल दिया, क्योंकि अब उसमें कुछ दिख नहीं रहा था, फ्लेवर तो है पर दिख नहीं रहा था, दिखना भी ज़रूरी है। तो फिर मैंने इसको पेपर और क्लीन रैप से भी फिर मैंने बाद में इसको रैप कर लिए, और फिर ये जाके मेरा मैंगो कुल्फी केसर पिस्ता बादाम वाला जो भी कुल्फी है वो रेडी हो गया। ये तो फ्रेंड्स इस तरह मैंने आपको बता दिया क्लियर क्लियर कि आपको ये आइसक्रीम अगर बनाना है तो आप मत बनाइएगा। हाँ अगर बच्चों को खेल रहे हैं तो फिर वो खेल सकते हैं, बट ये अगर आप चाहते हैं कि आपके यहाँ फ्रेंड्स आते हैं, फैमिली मेम्बर 4 5 हैं, आप उनके लिए रेसिपी बना रहे हैं, तो ये बिल्कुल नहीं बनेगा। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे जरूर